हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। इट्स फर्स्ट फार्मूला इज एंगल इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ टू एंगल एक्स प्लस वाई इज कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका प्रूफ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं उसको यहाँ समझना होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने ये यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रा किया है। यूनिट रेडियस के सर्किल का मतलब है जिसका रेडियस वन यूनिट हो, वन सेंटीमीटर हो, वन मीटर हो, यूनिट रेडियस का सर्किल। ये ओ बी उसका रेडियस है वन यूनिट। फिर ये पॉइंट बी है, बी से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। फिर ये ओ ए डिस्टेंस एक्स यूनिट लिया है, बी ए डिस्टेंस वाई यूनिट लिया है। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसी पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस एफसीसा होता है, तो बी का एफसीसा एक्स हो गया। और किसी पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ऑर्डिनेट होता है तो बी ए वाई है, तो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट वाई हो गया। अब हम ये लेट करते हैं कि ये लाइन ओ बी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाती है। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ओ ए बी कॉस थीटा क्या होगा। थीटा अगर ये है तो थीटा का एडजेसेंट साइड बेस होगा, ये 90 डिग्री है, फ्रंट का साइड हाइपोटेनस होगा और बी ए इसका परपेंडिकुलर होगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपान वन बेस अपान हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा हो गया एक्स के। सिमिलरली इसी ट्रेंगल में ट्रेंगल ओ ए बी में ए पर 90 डिग्री है तो साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू, इस ट्रेंगल में साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी हो जाएगा वाई अपान वन, वाई के हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कॉस थीटा है, वाई की वैल्यू साइन थीटा है। एक्स को यहाँ पुट कर देंगे कॉस थीटा, वाई को पुट कर देंगे साइन थीटा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता चला जाएगा, अगर ये एंगल एक्स प्लस वाई होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई। अगर ये एंगल एक्स माइनस वाई होगा तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट इसी एंगल के फॉर्म में होगा। ये एंगल इंक्रीज होकर कितना हो सकता है, 360 डिग्री तक जा सकता है। ये एंगल वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर सकता है। जैसे ऐसे एंगल बढ़ता जाएगा थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या बन गया यूनिट रेडियस के सर्किल का, कॉस थीटा साइन थीटा। थीटा एंगल डिनोट करता है। ये एंगल कैसा है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ओ बी का एंगल है, रेडियस का एंगल है। रेडियस हम वन यूनिट लिए हैं। अब इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमने एक सर्किल ड्रा किया है। ये सर्किल भी यूनिट रेडियस का है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक दूसरे को ओरिजिन पर कट करती हैं। ये ओ पी फोर इसका रेडियस होगा, तो पी फोर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 0। यहाँ हमने एक पॉइंट पी वन लिया और ओ पी वन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल एक्स है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, अगर एंगल एक्स है तो कोऑर्डिनेट हो गया कॉस एक्स साइन एक्स। अब फिर हमने एंगल को इंक्रीज कर दिया वाई और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया पी टू, पॉइंट पी टू ले लिया। अब ओ पी टू का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना है, एक्स प्लस वाई। ओ पी टू का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल कितना है, एक्स प्लस वाई। तो पी टू का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई कॉमा साइन एक्स प्लस वाई। फिर जितना एंगल हमने वाई लिया है उतना ही एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन से एक एंगल ड्रा किया। एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्लाक वाइज चले, यहाँ से जितना एंगल वाई है उतना ही हमने यहाँ पर निगेटिव एंगल ड्रा किया। एरो हमने क्लाक वाइज लगाया है, इसका मतलब एंगल निगेटिव है। और फिर यहाँ पर एक पॉइंट पी थ्री ले लिया, यानी ओ पी थ्री एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन से वाई एंगल निगेटिव बना रहा है। तो पी थ्री का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए जो एंगल होता है वही थीटा की वैल्यू यहाँ रख करके हम कोऑर्डिनेट बताते हैं। तो
P3 का कोऑर्डिनेट हो गया आपका कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई, कॉस माइनस वाई साइन माइनस वाई। तो कॉस माइनस वाई तो प्लस कॉस वाई होता है और साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि P1 P3 को ज्वाइन कर लिया, फिर P3 P4 को ज्वाइन कर लिया और P2 P4 को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं टू ट्रायंगल्स, पहले यहाँ देखिए ट्रायंगल P2O4, ट्रायंगल P2O4 ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में एंगल P2O4 कितना है, ये एंगल और प्लस एंगल वाई ये। फिर दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल P1O P3, P1O P3 वो कितना है, ट्रायंगल ले रहे हैं P1O P3, तो इसमें एंगल P1O P3 कितना है, ये वाई है और ये एक्स्ट्रा जो पहले एंगल में जुड़ा था इसमें इस वाले में P2O P4 में जो एंगल में ये एंगल एक्स्ट्रा जुड़ा था वो इस वाले में भी ऐड है। तो एंगल P1O P3 वाई और प्लस एक्स्ट्रा एंगल ये इसके इक्वल है, यानी ये एंगल और फिर ये एंगल, एंगल इसका मतलब है कि एंगल P1O P3 इक्वल टू एंगल P2O P4 के। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात है तो अब इसमें से देखिए OP1 इज इक्वल टू OP4 के और OP2 इज इक्वल टू OP2 इज इक्वल टू OP3 के इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। देन ट्रायंगल P2O P4 एंड P1O P3 आर कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस का मतलब सेम शेप और साइज के, ये बनाने में ऐसे दिख रहा है लेकिन इन दोनों का शेप क्या है, एक ही साइज का है। इसको हम ज्योमेट्री से प्रूफ कर चुके हैं, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के और ये साइड इक्वल है इस साइड के और फिर ये साइड इक्वल है इस साइड के। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ साइड एंगल साइड दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस होता है इसका मतलब सेम शेप और साइज होता है। देन P1 P3 इज इक्वल टू P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4 के, P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4 के हो जाएगा, तब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड P1 P3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P2 P4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए P1 P3 में, P1 P3 में डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए। इसको मान लीजिए ये X1 Y1 है और इसको मान लीजिए ये X2 Y2 है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, X2 - X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। आप 10th में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ चुके हैं लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा X - cos - Y का होल स्क्वायर प्लस Y2 यहाँ साइन एक्स है तो sin X - sin - Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब P2 P4 देखिए, P2 P4 क्या है, P2 P4 में देखिए P2 है cos X + Y और उसका ऑर्डिनेट है sin X + Y। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाइए P2 P4 में, इसका डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा 1 - ये X2 Y2 है ये X1 Y1 है, ये हो जाएगा 1 - cos X + Y का होल स्क्वायर प्लस इसका ऑर्डिनेट यानी Y2 की वैल्यू 0 है तो होगा 0 - sin X + Y का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करिए, ये देखिए यहाँ पे cos - Y अभी फार्मूला बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में अपने कि cos - θ + cos θ होता है, तो cos - Y ये cos Y हो जाएगा, ये हो गया cos X - Y का होल स्क्वायर, sin - Y - sin Y होगा, sin - θ - sin θ होता है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा sin X + sin Y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करो a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + cos² X + Y -2 cos X + Y। अब यहाँ भी फार्मूला लगा दीजिए 0 - sin X + Y का होल स्क्वायर, तो ये निगेटिव हुआ -sin X + Y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा sin² X + Y। अब यहाँ भी आप X - Y के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओ, ये X है ये Y है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ये माइनस साइन है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई ये निगेटिव है, माइनस है, माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई ये माइनस साइन है, बार बार मैं कह रहा हूँ, ये एक मिसप्रिंट की एक निगेटिव साइन है, आपको अपने पीडीएफ में दिखेगा, ये माइनस साइन है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस इसका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई प्लस टू साइन एक्स साइन वाई के। और फिर इधर देखिए राइट हैंड साइड में हो गया है आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, वन हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई वन होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन, और ये वन पहले से है तो वन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस ये वाला माइनस है माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई, टू टू कौन सा है वन, और फिर वन यहाँ से मिल रहा है हमको कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ये वन प्लस वन कितना हो गया टू, टू हो गया ये, और फिर माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब देखिए यहाँ से यहाँ भी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन हो गया, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई ये भी वन हो गया, तो वन प्लस वन कितना हो गया ये टू हो गया, और माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई प्लस टू साइन एक्स प्लस वाई, इनमें से माइनस टू कॉमन ले लिया, तो जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस टू इन ब्रैकेट कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये इक्वल टू हो गया टू माइनस टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से टू कैंसिल हो गया, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल हो गया, तो कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, टू से टू कैंसिल, माइनस टू से माइनस टू कैंसिल। ओके, इस तरह से हमने फर्स्ट फार्मूले को प्रूफ कर दिया। अब इसी के हेल्प से सम और डिफरेंस के सभी फार्मूले प्रूफ होंगे, इसलिए इस फार्मूले का प्रूफ ध्यान से समझना है, और फिर बाकी फार्मूलों का प्रूफ इसी के हेल्प से पूरे सारे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अब आगे के निकलेंगे इसी फार्मूले के हेल्प से। ओके।